मदरसा में नाबालिग बच्ची से रेप के वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। योगी सरकार के कानों में जैसे ही भनक लगी, कार्रवाई तेज हो गई और कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो गए। पहले रेप किया, फिर वीडियो बनाया और लगातार रेप का सिलसिला चलता ही रहा। खबर अयोध्या के भदरसा की है। रेप कांड की गूंज सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में है, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। दिल दहला देने वाली ये वारदात एक मजदूर परिवार की बेटी के साथ हुआ। उम्र महज 12 साल, परिवार की छोटी बेटी, मजदूरी से घर चलता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची गर्भवती हो गई। खबर आग की तरह फैल गई और धड़ाधड़ एक्शन शुरू हो गया। अब पूरे मामले में दो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं रेप के मुख्य आरोपी मोईद की संपत्तियों की भी जांच शुरू हो गई है। इससे पहले सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्स पर पोस्ट किया। अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी के साथ आए अयोध्या के पीड़ित बच्ची के परिजनों से भेंट की। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। तो देखिए, लगातार इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या के मदरसे में नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात का जो सनसनीखेज मामला सामने आया था, उसको लेकर अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है और कार्रवाई की मांग उठने लगी है। अयोध्या के मदरसा में 12 साल की मासूम बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी मोईद खान फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। सोशल मीडिया पर मोईद खान के अवधेश प्रसाद के साथ कई फोटोज और वीडियोस हैं। रेप कांड की इस वारदात के बाद समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन न तो सांसद अवधेश प्रसाद कुछ बोलने को तैयार हैं, न ही अखिलेश यादव ने ही अभी तक कुछ कहा है। गुरुवार को भी सीएम योगी ने विधानसभा में इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, अयोध्या में पिछड़ी जाति की बच्ची से रेप हुआ है, आरोपी समाजवादी पार्टी का है, वो सांसद अवधेश प्रसाद के साथ उठता बैठता खाता चलता है, लेकिन पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा है। पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे अपराधियों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या उन्हें माला पहनाई जाएगी? ऐसे में समाजवादी पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि मोईद पार्टी के बेस वोटर में से एक है। वही देखिए, भड़काऊ बयानबाजी पर सिर्फ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ही आगे नहीं है, बल्कि उनके भाईजान भी भड़काऊ बयानबाजी में इमरान मसूद के साथ खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सांसद इमरान मसूद के छोटे भाई नुमान मसूद हैं। बड़े भाई की तरह ये भी भड़काऊ बयानबाजी में इमरान मसूद के कंधे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मंच पर भाषण देते देते ये भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हाजिर अस्मत कहते हैं। इधर इमरान मसूद के भाईजान ने विवादित बयान दिया, उधर सियासी संग्राम मच गया, जिसका एहसास बड़े भाईजान को भी लग गया और मसूद परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। विवाद पड़ता देख इमरान मसूद खुद अपने फेसबुक पर अपने भाई के इस बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी। जिन चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई? नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। इमरान मसूद ने भले ही अपनी सख्त प्रतिक्रिया से पल्ला झाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन विवाद जल्द थमता नहीं दिख रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में भेजेगी। इसरो ने ये जानकारी साझा की है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने ISS के लिए अपने आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है, जिसमें दो भारतीय प्राइम और बैकअप मिशन पायलट होंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला प्राइमरी मिशन पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत लाल कृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। दोनों अधिकारियों को गगन यात्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी। दरअसल गगन यात्री मिशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ा मिशन माना जाता रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य हिंदुस्तान की भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन योजना के 3 सदस्यों के दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने की है। नासा के इस मिशन का समापन सभी गगन यात्रियों की धरती पर सुरक्षित वापसी के साथ होगा। Z News.